तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, दो लोग हुए जख्मी। बताते चले कि घूरपुर थाना अंतर्गत कौहनिया ओवरब्रिज के पास जारी की तरफ से आ रही बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें पवन कुशवाहा और विकास कुशवाहा जख्मी हो गए। दोनों प्रयागराज खुल्दाबाद के रहने वाले हैं। जारी बाजार दुकान पर कुछ सामान पहुंचाने गए हुए थे। वहां से वापस प्रयागराज जा रहे थे कि रास्ते में गौहनिया ओवरब्रिज के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। स्थानीय लोगों द्वारा 108 नंबर एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा भेजा गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने विकास की हालत नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से संवाददाता दिवाकर पाल की खास रिपोर्ट। दुकान है डीजे की, हम लोग वहाँ से वापसी ले रहे थे। इलाहाबाद से वापस आ रहे थे? नहीं, जारी से वापसी ले रहे थे। जारी किस लिए गए थे? जारी गए थे, दुकान है वहाँ पे सामान लेना था हम लोग को। अच्छा, उसकी वजह सामान देने के बाद हम लोग वापस आ रहे थे। डिवाइडर में लगा गया था। कहाँ पास घटना हुई? डिवाइडर पास। कहाँ से थे आप लोग? हम लोग बाइक से। तो डिवाइडर टकराए थे? यस। क्या नाम है आप? हमारा पवन कुशवाहा। जो चोटिल ज्यादा हुए उनका क्या नाम? विकास। विकास कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? खुल्दाबाद। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम भी वहीं के रहने वाले, खुल्दाबाद के।